स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दी कैंडियोर न्यूज में। मैं आपके साथ अलीना खान। सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि जो देश पिछले साल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में कामयाब था, तो वहीं अब एक बार फिर से कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है और इसमें काबू पाने के लिए सरकार को काफी मेहनत करनी पड़ रही है। आपको बता दें कि ब्रिटेन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और भारत के बाद अब वियतनाम में भी कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट की पहचान की गई है। आपको बता दें कि ये वेरिएंट भारत और ब्रिटेन में पाए गए वेरिएंट का मिला जुला रूप है और हवा के जरिए पहले वेरिएंट के मुकाबले कई ज्यादा तेजी से फैल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लॉकडाउन को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। कहा, हरियाणा में 7 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है। ऑड इवन फॉर्मूले का पालन करते हुए दुकानें सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक खुलेंगी। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जहां अभी कुछ दिनों पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी हुई थी, वहीं एक बार फिर से पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। मुंबई समेत देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर हुई। वीडियो के पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।